हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वनली एयरफोर्स नेवी में। अभी हम लेकर आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो एसएससी एयरफोर्स और नेवी के एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई भी क्वेश्चन होगा तो इसमें अगर जो भी हमें वर्ब का यूज करना होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना होता है। इसका कुछ रूल्स हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द ऑनर ऑफ दिज बुक्स ब्लैंक, यहाँ पर वर्ब कौन सा आएगा? तो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि द ऑनर ऑफ दिज बुक्स है, तो ऑफ है क्या प्रीपोजिशन है, इससे दो वर्ड क्या हो रहा है, जुट रहा है, द ऑनर और दिज बुक। तो जब भी ऑफ से जो दो वर्ड जुटेगा तो जो भी हमारा आने वाला वर्ब होगा फर्स्ट पार्ट पर डिपेंड करेगा, यानी द ऑनर। द ऑनर क्या है, सिंगुलर है, तो सबसे पहले हम सिंगुलर वर्ब को चूज करेंगे ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए हैव गोन है, तो हैव क्या प्लुरल है तो नहीं होगा, बी भी वेयर गोन है ये भी नहीं होगा, सी में हैज गोन है और डी में इज गोन है, दोनों क्या है सिंगुलर है लेकिन इज गोन थोड़े ही होगा, इज गोन तो होगा ही नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, हैज गोन। अब सेकेंड क्वेश्चन है, 10 बुक्स ऑफ दिस लाइब्रेरी। अब यहाँ भी देखेंगे ऑफ से दो वर्ड जुड़ा हुआ है, 10 बुक्स और दिस लाइब्रेरी, तो फर्स्ट पार्ट पर देखेंगे हम, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा प्लुरल है, 10 बुक्स है, तो यहाँ पर वर्ब हमारा कैसा आएगा, प्लुरल आएगा। तो प्लुरल वर्ब इसमें कौन सा, इज मिसिंग, आर मिसिंग, आर मिसिंग क्या है हमारा प्लुरल वर्ब है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है थर्ड में, आइदर ही और यू ब्लैंक, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब कोई भी सेंटेंस या तो जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट जो होंगे, या तो नाइदर नॉर, आइदर और, याद रखिएगा नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो और नॉन बट से जुड़ा हुआ होगा, तो वर्ब हमेशा किस पार्ट पर डिपेंड करता है, दूसरे पार्ट पर डिपेंड करता है, यानी दूसरे सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आएगा। यानी ही और यू दो सब्जेक्ट है तो दूसरा सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, तो यू के साथ कौन सा वर्ब आता है, प्लुरल वर्ब आएगा, तो इस पर प्लुरल वर्ब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन में हैज होगा कि हैव होगा कि इज होगा कि वाज होगा, तो यहाँ पर हैज हैव वाला बी ऑप्शन क्या है, प्लुरल है, तो बी इसका सही हो जाएगा थर्ड का। अब फोर क्वेश्चन है, द फादर विथ हिज सन, अभी हम बताएं आपको द फादर विथ हिज सन, तो यहाँ पर भी देखिए, अब इसमें भी याद रखना है कि जब दो सब्जेक्ट किसी किस से जुड़ा हुआ, विथ से, अलोंग विथ से, टुगेदर विथ से, एज वेल एज से जुड़ा हुआ हो, तो उसमें जो भी वर्ब आएगा वो किस पर डिपेंड करेगा, फर्स्ट पार्ट पर डिपेंड करेगा। तो द फादर विथ हिज सन, तो द फादर फर्स्ट वर्ब है, तो इसके बाद कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ये सही हो जाएगा, वाज स्लीपिंग। फाइव क्वेश्चन में देखते हैं, ही एंड आई ब्लैंक लाइक देम, ही एंड आई, यहाँ पर दो वर्ड जुटा हुआ है ही एंड आई, तो एंड किसका निर्माण करता है, पेयर करता है, यहाँ पर दो लोग हैं तो वर्ब कैसा आएगा हमारा, प्लुरल वर्ब आएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डू नॉट प्लुरल वर्ब है। सिक्स में, द न्यूज ब्लैंक बाई हिम, न्यूज हमेशा याद रखिएगा सिंगुलर वर्ब सिंगुलर है, उसके साथ वर्ब भी जो आएगा क्या है, सिंगुलर ही आएगा, तो सिंगुलर वर्ब इसमें कौन सा है, सिंगुलर वर्ब इसमें कौन सा है, डी हो जाएगा, वाज ब्राउट, द न्यूज वाज ब्राउट बाई। अब सातवां क्वेश्चन हम देखेंगे, नाइदर ही नॉर आई, तो नाइदर नॉर आइदर और हम बताएं तो सेकंड पार्ट पर डिपेंड करेगा, तो आई के साथ क्या आएगा, एम लगता है, आई के साथ एम, तो एम वाला ऑप्शन हम देखेंगे, तो एम किस ऑप्शन में है, बी में है, तो हमारा बी यहाँ पर सी हो जाएगा। हम ऑप्शन को भी अगर छाट कर हम अपना सही ऑप्शन को चुन सकते हैं, इसलिए ध्यान देना होगा आप लोगों को। एट में, द फ्रॉग्स एट द कॉटेज, यहाँ पर एट है, एट के साथ दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ, द फ्रॉग्स और कॉटेज, तो एट ऑफ ये सब जब जो भी प्रीपोजिशन वाले वर्ड होंगे उससे जो भी जुड़ा होगा तो किस पर डिपेंड करेगा, फर्स्ट पार्ट पर, तो द फ्रॉग्स है, फ्रॉग्स का प्लुरल है, तो यहाँ पर हमारा वर्ब कैसा आएगा, प्लुरल आएगा, तो क्रॉक्स, क्रॉक्स क्या है, सिंगुलर वर्ब है, यानी जिस भी वर्ब में एस या एस लगे वो सिंगुलर वर्ब होता है, तो बी हमारा क्या है, क्रॉक है, तो क्रॉक क्या हो जाएगा हमारा, प्लुरल वर्ब है, यानी बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैनी अ गर्ल ब्लैंक, मैनी अ गर्ल, यानी मैनी अ बॉय, मैनी अ चाइल्ड, तो मैनी अ के बाद क्या आएगा, जो भी हमारा सब्जेक्ट आएगा वो कैसा होगा, सिंगुलर आएगा, सिंगुलर आएगा, और वर्ब कैसा हमारा आएगा, वर्ब भी हमारा सिंगुलर आएगा, तो सिंगुलर वर्ब इसमें कौन सा है, ए है, हैज सीन दिस मूवी,
हमारा ऐसे ही हो जाएगा नाइन का। टेन में देखेंगे देयर ब्लैंक अ काउ एंड अ हॉर्स इन द फील्ड। यहाँ पर ध्यान देना है कि देयर से जो भी वर्ड स्टार्ट होगा तो उसमें जो भी वर्ब आने वाला होता है वो बाद वाले पर डिपेंड करता है कि फिल ब्लैंक से बाद क्या है। तो देखें ए काउ एंड ए हॉर्स, यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा ना, तो प्लूरल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। तो प्लूरल वर्ब कौन कौन सा है, वाज प्लूरल नहीं है क्या, सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है, सी में क्या है वेयर है, तो वेयर हमारा सही हो जाएगा, प्लूरल वर्ब है। अब इलेवन क्वेश्चन को देखेंगे, योर फ्रेंड ब्लैंक टू मच। योर फ्रेंड है तो एक दोस्त का यहाँ पर बोध हो रहा है, तो सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब इसमें कौन सा है, टॉक। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भी वर्ब होता है तो जब पैदा लेता है तो कैसा होता है, प्लूरल होता है, उसमें एस या एस लगा के उसका सिंगुलर वर्ब बनाया जाता है। तो इसमें एस या एस किस में लगा हुआ है, बी में लगा हुआ है, तो टॉक्स क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इलेवन का बी। बारह नंबर, द मैन विथ द रोजेज, द मैन विथ द रोजेज ब्लैंक लाइक योर ब्रदर। तो विथ से यहाँ पर कंजंक्शन आ गया विथ, अब किससे डिपेंड करेगा ये, किस पार्ट पर डिपेंड करेगा, सेकेंड पार्ट पर। यहाँ पर क्या आएगा, सेकेंड पार्ट पर डिपेंड करेगा ना, हम बताए थे ना कि विथ से, अलॉन्ग विथ से, टुगेदर विथ से जो भी आएगा सब्जेक्ट रहेगा, दो सब्जेक्ट जुटा रहेगा तो वर्ब आने वाला सेकेंड पार्ट पर डिपेंड कर देगा। तो रोजेज कैसा है हमारा, प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब कौन सा है हमारा, ट्वेल्व में देखेंगे, फर्स्ट पार्ट पर डिपेंड करेगा। तो हमारा क्या है, सिंगुलर क्या है, सिंगुलर वर्ब कौन सा है, ए है, ट्वेल्व का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी बी है, बी हमारा सही हो जाएगा, लुक्स। थर्टीन, द वीमेन इन द पूल ब्लैंक्स विल। द वीमेन है, वीमेन हमारा कैसा है, वीमेन हमारा प्लूरल हो गया, वुमेन का प्लूरल क्या होता है, वीमेन होता है, एक जगह पर ई आ जाता है, तो हमारा वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, तो प्लूरल वर्ब इसमें कौन सा है, स्विमिंग, स्विम क्या है, प्लूरल वर्ब क्या है, इसमें एस या एस नहीं लगा है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा थर्टीन का। अब फोर्टीन है, बसंत ब्लैंक का कैब, बसंत क्या है, एक नेम है, तो नेम अगर एक नेम रहेगा तो हमेशा वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर आता है, तो सिंगुलर वर्ब इसमें कौन सा है, जल्दी से बताइए, फोर्टीन का कौन सा हो जाएगा, ये सही हो जाएगा कि ड्राइव्स, हम बोले ना कि ये सही, जो भी वर्ब में लगा होता है वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है, तो ड्राइव्स इसका ये सही हो जाएगा। और हमारा लास्ट आज का क्वेश्चन है, द फुटबॉल प्लेयर्स ब्लैंक 5 किलोमीटर्स एवरी डे। तो फुटबॉल प्लेयर्स है, फुटबॉल प्लेयर्स यानी बहुत सारे प्लेयर्स हो जा रहे हैं, यानी प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी कैसा आएगा हमारा, प्लूरल आएगा, तो प्लूरल वर्ब इसमें कौन सा है, एवरी डे। और यहाँ पे ध्यान भी देना है कि एवरी डे भी है, तो एवरी डे जिसमें आएगा, एवरी डे आता है तो कौन सा टेंस यूज होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या आएगा हमारा, जो वर्ब आता है कौन सा आ जाएगा, वी वन आता है या तो वी फाइव आता है, तो वी वन हमारा कौन सा है, ये सही हो जाएगा, रन। आज के लिए इतना ही, प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कोई भी डाउट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स, जय हिंद।